नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज बिदासा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर पठार के बारे में, जिसमें हम मेघालय पठार और कार्बी एंगलोंग पठार को शामिल करते हैं। पूर्वोत्तर का जो ये जो पठार है वह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही समय बने हुए हैं और इनकी जो भूगर्भिक संरचना है, जिन जिन प्रकार की चट्टानों से बने हुए हैं, वो दोनों समान हैं। लेकिन ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई तब भारतीय प्लेट उत्तरी पूर्व दिशा में खिसकी और राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच में एक भ्रंश पैदा हो गया। तो जब भारतीय प्लेट के उत्तरी पूर्व दिशा में खिसकने के दौरान इसमें एक भ्रंश पैदा हुआ और भ्रंश पैदा होने के कारण ही एक तरीके से घाटी बन गई और इस भ्रंश के कारण ही पूर्वोत्तर पठार और प्रायद्वीपीय पठार अलग हो गए। इस भ्रंश में कालांतर में गंगा नदी के प्रणाली द्वारा नदी जल के साथ लाए गए गाद के जमा होने की वजह से ये भ्रंश जलोढ़ द्वारा भर दिया गया, जिसे हम आज मालदा गैप या गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। तो भूगर्भिक संरचना है उसके आधार पर उत्तरी पूर्व पठार और प्रायद्वीपीय पठार दोनों समान ही हैं। मेघालय का जो पठार है उसमें मुख्य तीन पहाड़ियाँ हैं या तीन पठार हैं, जिनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंते के अनुसार है। मेघालय के पठार की हाईएस्ट चोटी शिलोंग है, जो खासी पहाड़ियों पर स्थित है, और जो कार्बी एंगलोंग पठार है वह स्थित है असम में। यह पठारी क्षेत्र मेघालय के पठार, हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, और इसके साथ ही जो कार्बी एंगलोंग मेघालय पठार या पूर्वोत्तर पूरा भारत की बात करें तो ये मुख्यतः जनजाति द्वारा आवासित है। पिछले लेक्चर में हम छोटा नागपुर पठार के बारे में बात कर रहे थे, इसमें एक बिंदु रह गया था, वह था छोटा नागपुर पठार का विभाजन। तो छोटा नागपुर पठार को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला है हजारीबाग का पठार, दूसरा रांची पठार और तीसरा राजमहल की पहाड़ियाँ। इनको एक चित्र बनाकर हम देखने में मान सकते हैं कि जैसे कि ये दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार है और दक्षिण की ओर है रांची पठार। तो दामोदर नदी एक सीमा रेखा बनाती है, इस पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर की ओर दामोदर नदी से उत्तर की ओर हजारीबाग पठार स्थित है और दामोदर नदी के दक्षिण की ओर रांची का पठार स्थित है, और इन्हीं से थोड़ा अलग उत्तर पूर्व दिशा में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इस प्रकार छोटा नागपुर पठारी प्रदेश को तीन विभागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम होगा राजमहल का पठार या राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग पठार और रांची पठार। पूरे छोटा नागपुर पठारी प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर नेत्रहाट नाम की भी चोटी है और राजमहल भी है। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि यह जनजाति क्षेत्र है, धात्विक खनिज भी यहाँ बहुतायात में पाए जाती हैं। तो हम अब एक बार रिवाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि हमने केंद्रीय उच्च भूमि कवर कर लिया है, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी पठार कवर कर लिया है। अब प्रायद्वीपीय पठार का जो अंतिम पोर्शन है वह है दक्कन का पठार, जिसमें हम दक्कन ट्रेप तक कर्नाटक पठार, आंध्रा पठार और पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में बात करते हैं। यह इकाई हमारी शेष रही है, इस इकाई को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।